मुझे लगता है एना ही करनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में जो व्यवस्था डिपार्टमेंट की है और सरकार की है, जिस तरीके से हर विषय पे इंक्वायरी हो रही है, आज सबसे बड़े उद्योगपति, टॉप 10 में उद्योगपति रहने वाले घर, उनके घर के सामने अगर एक गाड़ी बरामद होती है जिसका पता लगाने के लिए उसके अंदर कुछ बारूद मिलते हैं, उसका पता लगाते हैं, लापता गाड़ी का पता लगाते हैं, मालक मिलता है, मालक मिलने के बाद उस पर जब उसके साथ इंक्वायरी करते हैं, पूछताछ करते हैं, तो उसके साथ पूछताछ इस तरीके से करते हैं कि उसे घोषित कर दिया कि तुम ही क्रिमिनल हो। और जब ऑपोजिशन लीडर के देवेंद्र फडणवीस, जो माजी मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, जब वो बोलते हैं कि उन्हें सिक्योरिटी दी जाए, उनसे आप जांच कीजिए, पता कीजिए, सिक्योरिटी दे के उनकी जांच, जान पे अगर खतरा है तो उन्हें सिक्योर करने का काम हमारे लोगों का है, और उन्हें सिक्योरिटी दी नहीं गई, वो सिक्योरिटी ना देते हुए उनकी आज हत्या करी गई, और उसके बाद भी सरकार कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है उस विषय पे कि हम जांच कर रहे थे, हम उन्हें पहले ही आरोपी घोषित कर दिया है सरकार ने। मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति पे आरोप लगाने से पहले उसकी जांच होनी बहुत ज़रूरी है, और उद्योगपति जिसके अंडर में इतने लोग वर्कर काम कर रहे हैं, टॉप 10 में पूरे वर्ल्ड में उनका नंबर अंबानी जी का आता है, ऐसे व्यक्ति के घर में लापता गाड़ी मिलना और उसके ऊपर जाँच करनी चाहिए। मुझे लगता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट फेल है ये सभी चीज़ों में, फिर कोविड के मामले में हो कि महिला अत्याचार के मामले में हो, या ऐसे केस मनसुख भाई, मनसुख हिरान वाले के ऊपर जैसे केस हुए हैं और उनकी हत्या करी गई है, ऐसे प्रकरणों में हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसी सभी चीज़ों को हैंडल करने में नाकाम रही है। तो मुझे लगता है केंद्र ने वो केस लेकर, केंद्र के माध्यम से वो जो केस हुआ है, जो प्रकरण है मनसुख भाई का, जिनकी हत्या की गई है, उसकी जाँच होनी चाहिए। आपको लगता है मैम, क्योंकि उनकी गाड़ी से विस्फोटक बरामद हुआ, उसके बाद उनकी जिस तरह से उनकी बॉडी मिली, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी साजिश है? 100% साजिश दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल भी हो तो जब तक वो घोषित नहीं होता है तब तक वो क्रिमिनल नहीं होता है, और उसकी हत्या करना ऐसी जगह पे, तालाब में मिलना, जहाँ पे हाथ पीछे हैं, मुंह में कपड़े ठूसे हुए हैं, ऊपर से आपके मास्क लगा हुआ है, तो इससे स्पष्ट होता है कि डिपार्टमेंट जो भी इसके पीछे छानबीन कर रही थी उसका इंटरेस्ट ये था कि ये मैटर यहाँ पर ही क्लोज कर दिया जाए, कोई जांच ना हो और सीधे से इसकी इंक्वायरी यहाँ पर ख़त्म होके निर्णय लगा दिया जाए। अच्छा मैम, एक और मुद्दा है, महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर अजीत पवार ने कहा है कि जो महाराष्ट्र के किसान हैं उनको, उन्होंने जो लोन लिया है उसको 0% इंटरेस्ट पर फिर से वो लोन पे करने का उनको मौका दिया जाएगा अगर उन्होंने पे नहीं किया, और जो इंटरेस्ट रेट है वो महाराष्ट्र की सरकार जो है वो खर्च उठाएगी। मुझे लगता है हमारे यहाँ पे कपास सबसे ज़्यादा होती है, सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है, और जो भी हमारे यहाँ पे अन्य धान्य होता है हमारे महाराष्ट्र में, किसानों के लिए कोई हित में ये बजट पेश नहीं किया गया है, किसानों के हित का बजट नहीं है, और हमारे विदर्भ के साथ हमेशा अन्याय हुआ और इस बार भी अन्याय का ही चित्र दिखा गया है फाइनेंस के जो बजट सेशन महाराष्ट्र में घोषणा हुई है।